तो दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए एक नए अपडेट के लिए। और आज के इस अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो कि इसी हफ्ते रिलीज की गई है, और ये सभी की सभी सीरीज फिलहाल अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग भी कर रही है। बहुत सारे ऐसी भी कैटेगरीज की सीरीज हैं आज के इस काउंटडाउन में जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जो कि फिलहाल तहलका मचा रही है इस हफ्ते यानी कि नवंबर 2024 में। नंबर 6 पर है नटारी क्राइम रिपोर्ट। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक साइकोपैथ किलर से जो कि लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है। उसके मारने का तरीका बहुत ही ज्यादा घिनौना है और वो असल में ये सारे मर्डर्स क्यों कर रहा होता है और लास्ट तक पुलिस इस क्रिमिनल तक किस तरह पहुंचती है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देखने वाले होते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्लैशर एक्टिविटी से भरी हुई है। सीरीज में बहुत सारे ऐसे भी दृश्य है जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल ही पसंद ना करें। दोस्तों इसकी फिलहाल अभी तक आईएमडीबी रेटिंग आई नहीं है क्योंकि इसे रिसेंटली रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं अतरंगी ओरिजिनल पर। नंबर 5 पर है बैंक अंडर सीज। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे बैंक चोरों से जो कि बैंक में डकैती करने के लिए घुसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ एक खतरनाक फ्रॉड हुआ है। उन्हें एक गलत ही बैंक की ब्लूप्रिंट दे दी गई है जिसकी वजह से वो बैंक में चोरी तो कर लेते हैं लेकिन बैंक से निकलने का रास्ता किसी भी तरह से ढूंढ कर नहीं निकाल पा रहे होते हैं। और लास्ट तक ये सभी लुटेरे उस बैंक से निकलने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चलने वाली है। सीरीज आपको सच बताओ तो मनी हस्ट जैसी फीलिंग देने वाली है। सीरीज के हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 6.7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4 पर है एवरी मिनट काउंट्स। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि सर्वाइवल मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में आप एक ऐसे खतरनाक सर्वाइवल एक्टिविटी देखने वाले हैं जिससे आपकी सांसें भी रुक सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हॉस्पिटल से जो कि अचानक से ही ढह जाती है, लेकिन इस मलबे के नीचे बहुत सारे पेशेंट्स, नर्स और डॉक्टर्स फंसे हुए रहते हैं और लास्ट तक इन सभी लोगों को किस तरह बचाया जाता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। नंबर 3 पर है एक दीवाना था। दोस्तों ये सीरीज कौन देखता है मुझे पता नहीं है, लेकिन अपडेट है तो अपडेट है यानी कि इस सीरीज को भी इसी हफ्ते रिलीज की गई है। सीरीज की स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि देखने लायक है, लेकिन इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो कि परिवार के साथ देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज किसके साथ देखना है नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, लेकिन इस सीरीज में आप बहुत सारे ठरकी पड़ने वाली चीजें भी देखने वाले होते हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं उल्लू ओरिजिनल पर। और दोस्तों इस तरह की सीरीज के किसी भी तरह के आईएमडीबी रेटिंग होती नहीं है। नंबर 2 पर है द केज। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि एक्शन स्पोर्ट्स देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बॉक्सर से जो कि एक टूर्नामेंट जीतना चाहता है और वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये पूरी की पूरी सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 6.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। है मिथ्या सीजन 2। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिथ्या की सीजन 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार सीजन 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीजन 2 में आप फिर से कुछ मिस्टीरियस चीजें को रिवील होते हुए देखने वाले होते हैं। इवन इसकी स्टोरी थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन स्टोरी की प्रेजेंटेशन काफी हद तक अच्छी है। एटलीस्ट ये सीरीज आपको हल्की फुल्की उबासी के साथ अच्छा खासा एंटरटेन भी करने वाली है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।